Hotstar VIP Co presents All Access Capital Police Beyond the Khaki. 9:30 के बाद तो शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि सेफ है। हाँ, अब हमें डर लगता है, बाहर निकलते ही नहीं। बसेस और कैब्स वगैरह देख के लगता है लाइक नो आई कांट गो अलोन। डर तो लगता ही है पर क्या करें, हिम्मत जुटा के निकलना पड़ता है। आए दिन क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं, हूटिंग, यू नो, ईव टीजिंग। क्योंकि आजकल जब भी हम बाहर जाते हैं तो लोग बहुत गंदी नज़र से देखते हैं, ज़्यादातर लड़के। मतलब मुझे नहीं लगता कि सेफ्टी है। दिल्ली में लगभग हर रात औरतों के साथ होने वाले अपराध दर्ज किए जाते हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि अब तो औरतें घर के बाहर कदम रखने से पहले भी 10 बार सोचती हैं। जब से निर्भया केस हुआ है, हमारी पुलिस 4 गुना ज्यादा चौकन्नी हो गई है, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि औरतें शहर में खुद को सुरक्षित महसूस करें, और इस पर हम लगातार काम भी कर रहे हैं। दिल्ली के हर एक कोने में पेट्रोलिंग होती है, पीसीआर वैन्स हैं, फुट पेट्रोलिंग है, और महिला पुलिसकर्मी भी हैं हमारी दिल्ली पुलिस फोर्स में, जो काफी मेहनती और काबिल भी हैं। सिर्फ 2018 में दिल्ली में 703 रेप केसेस और 1155 औरतों की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाई गई। ये सोच कर ही दिल दहल जाता है। छेड़छाड़, मारपीट और इन अपराधों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। बच्चों के लिए खतरा और भी ज्यादा है, खासकर उन बच्चों के लिए जो सड़कों पर रहते हैं। औसतन हमारी राजधानी से हर रोज एक युवा अगवा किया जाता है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने हमसे हाल ही में हुए एक पेचीदा केस को शेयर किया। ये नवंबर की बात है, नवंबर लास्ट वीक की। मुझे पता लगा कि एक 4 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई। वो किसी बारात के पीछे जा रही थी, शायद कुछ खाने या कुछ पैसों की उम्मीद में। उसके माँ बाप से बात की, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि उनकी बच्ची को किसने उठाया होगा। वो बेघर लोग थे जो सड़कों और फुटपाथ पर रहते हैं। हमने फौरन अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। हमने वो पूरा इलाका छान मारा जहाँ से बच्ची गायब हुई थी। पहले 1 किलोमीटर के सर्कल में ढूंढा, फिर 2 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर। हमने पूरे इंडिया के SSPs और हर थाने में खबर भेजी कि इस हुलिये या इस नाम की बच्ची किसी को मिले तो तुरंत सूचित करे। तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिरकार CCTV फुटेज से क्लू मिला। ये बच्ची किडनैप हुई थी और इस आदमी ने उसे किडनैप किया था, नीली टी शर्ट वाला, ये जिसके हाथ में हेलमेट है, ये पीछा कर रहा था उस बच्ची का। 4 दिन बाद वो बच्ची वही मिल गई जहाँ से गायब हुई थी। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही पास ही के इलाके से एक और 6 साल की बच्ची किडनैप हुई, और ये बच्ची भी ठीक उसी जगह पाई गई 1 महीने बाद जहाँ से उसे उठाया गया था। उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। हमने उसका मेडिकल भी करवाया, हमने दोनों बच्चियों से बात की। 4 साल वाली तो ठीक से कुछ बता नहीं पाई, पर 6 साल वाली बच्ची ने हमें बताया कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया और उसे बराबर खाना भी दिया जाता था। तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि उन्हें 1 महीने के लिए किडनैप किया और उनके साथ कुछ नहीं हुआ। अपहरणकर्ता उम्र देखकर अपहरण नहीं करते। अक्सर नाबालिग लड़कियों को प्यार के झूठे जाल में फंसा के शादी का झूठा वादा किया जाता है। इतनी कम जानकारी से कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। फिर पुलिस ने आसपास के इलाके के सारे CCTV फुटेज चेक किए। आखिर पुलिस को वो अपहरणकर्ता CCTV फुटेज में मिल ही गया। पुलिस ने उसके बाइक के नंबर से उसे ढूंढ निकाला। इस केस के बारे में सबसे अजीबोगरीब बात थी अपहरणकर्ता का बयान। उसने कहा कि वो सिर्फ इन बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना चाहता था। आगे जाकर पता लगा कि उसका परिवार भी इस बात को जानता था। पहले जब हमने पकड़ा तो ये बिल्कुल टोटली डिनाई कर गया था। उसके बाद हमने इसको ये सब फोटो दिखाई, उसके तब इसने पहचान कर लिया तो कबूल कर लिया अपना जुर्म।
और फिर उसकी मम्मी भी हाँ करने लग गई, उसकी बेटी थी वो भी हाँ करने लग गई, उसकी बीवी ने भी हाँ कर लिया, आगे हाँ ये लड़कियों को लाता था, एक रात रखता था और फिर दूसरे दिन छोड़ के आ जाता था। जुर्म साबित होने के बाद उसने 3 महीने जेल में काटे, उसके बाद उसे बेल मिली। पकड़े जाने के बाद अपहरणकर्ता ने कैमरा पर आने से मना कर दिया। इस अपहरणकर्ता पर अब दिल्ली पुलिस की खास और कड़ी नजर थी। कीर्तिनगर पुलिस स्टेशन की टीम को डीसीपी भारद्वाज के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि अब किसी और बच्चे और उसके परिवार को ऐसा बुरा वक्त न देखना पड़े। पुलिस की चौकसी 4 गुना बढ़ा दी गई है। ऑफकोर्स बच्चों को ढूंढना हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं इस बात को जानती हूँ कि अगर मेरी बेटी 2 मिनट के लिए भी इधर उधर चली जाए तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तो अपने डिपार्टमेंट में भी मैं सबसे कहती हूँ कि बच्चों को इस जज्बात और जुनून से ढूंढो कि जैसे वो तुम्हारा खुद का बच्चा हो। ये केसेस बहुत सेंसिटिव होते हैं और आपको बहुत बारीकी से जांच करनी होती है।